गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो कौन सा टॉपिक चल रहा था, संधि, संधि में है व्यंजन संधि, जिसके हमने तीन नियम पढ़ लिए हैं। आज हमारा चौथा नियम कि नियम चार क्या है। हमने नियम एक में पढ़ा था कि अगर पहले वर्ण के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आए या रेलेवे आए या कोई स्वर आए तो वहां पर पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। दूसरे नियम में हमने पढ़ा था कि अगर पहले वर्ण के बाद में अगर कोई नए या मैं आए तो जो पहला वर्ण है वो किस में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। और हमने जो तीसरा नियम था, जो तीसरा नियम हमने पढ़ा था वो था कि अगर यदि मैं के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, यदि मैं पहले आया उसके बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो वो जो स्पर्श मैं का कौन सा जो स्पर्श व्यंजन आ रहा है उसका पांचवा वर्ण हो जाता है या अनुस्वार हो जाता है। उसके बाद में हमारा है चौथा नियम, इसमें है यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद यह यदि मैं के बाद में से यह लेवे से है में से कोई भी वर्ण आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है या मैं का अनुस्वार हो जाता है, मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अगर मैं के बाद में यह लेवे से है आए तो इनमें से कोई भी अगर वर्ण आए तो वो जो मैं है वो मैं किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखिए, सम प्लस योग, तो ये क्या हो सकता है, संयोग। सम प्लस रचना, संरचना। सम प्लस वेग, संवेग। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस वाद, संवाद। देखिए मैं के बाद में यह है तो योग हो गया, मैं के बाद में वह है तो संरचना हो गया, संवेग संवेग हो गया, संरक्षण संरक्षण हो गया, सम प्लस वाद तो क्या हो गया, संवाद हो गया। और भी देखना जैसे सम प्लस सार तो क्या हो गया, संसार। तो इस प्रकार जो हमारा चौथा नियम है वो कंप्लीट हो गया कि यदि मैं के बाद में यह वे से अगर कोई भी वर्ण आए तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है या मैं अनुस्वार में बदल जाता है। इसके बाद में हमारा नियम पांचवा है, चार नियम हमने पढ़ लिए हैं, पांचवा नियम देखिए। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम है यदि तय या दय के बाद ले आए तो
ले में बदल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कैसे, यदि तय या दे पहले, अगर तय या दे आए हो, तय या दे के बाद में अगर ले, तय या दे, दे का मेल किससे हो, ले से हो, तो तय और दे भी किसमें बदल जाएंगे, ले में बदल जाएंगे। जैसे देखना, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन तो क्या हो गया, तल्लीन। उत् प्लस लेख तो क्या हो गया, उल्लेख। उत् प्लस लास क्या हो गया, उल्लास। तो ये आपका हो गया कि ये पांचवा नियम क्या हो, यदि तय या दे के बाद ले आए तो तय और दे भी किसमें बदल जाएंगे, ले में बदल जाएंगे। इसे देख लो, तत् प्लस लीन आया है तो तय किसमें बदल गया, लीन, तल्लीन हो, तल्लीन हो गया। उत् प्लस लेख आया तो लेख हो गया, उत् प्लस उल्लास आया तो क्या हो गया, उल्लास हो गया। अब इसके बाद में हमारा छठा नियम है, अब हम छठा नियम पढ़ेंगे। यदि इसमें भी वो ही है, यदि तय या दे, दे के बाद उसमें ले था और इसमें है जय या छय आए तो, तय या दे के बाद जय या झे आए तो, तय और दे जे में बदल जाते हैं। यदि तय या दे के बाद जय या झ आए तो, जो तय है वो किसमें बदल, तय और दे किसमें बदल जाते हैं, जय में बदल जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे सत् प्लस जन क्या हुआ, सज्जन। उत् प्लस झटिका, उज्झटिका। ऐसे आप और भी इसके जो उदाहरण है वो आप ढूंढ के और लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा है सातवां नियम। सातवां नियम क्या है, इसमें है नियम सात। नियम सात हमारा है, यदि तय या दे यदि तय या दे के बाद से आए तो, से आए तो, तय या दे
चयन में बदल जाते हैं तथा से का छह हो जाता है। ये अब अच्छे से देखना है इसको, जो नियम सात है, यदि तय या दे के बाद में से आए, कौन सा से सरगम वाला से आए, तो तय और दे तो छह में बदल जाते हैं और जो से है वो किस में बदल जाता है, छह में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे उच्छ्वास, तो उच्छ्वास उत् प्लस श्वास का क्या हो गया, उच्छ्वास। तो ये हमारा हो गया सातवां नियम। तो आज के लिए हमारे इतने ही काफी हैं, आगे हम जो आगे के नियम है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।